चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मंडला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कांग्रेस की फजीहत करा दी है। दरअसल मंडला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होनी थी, उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार ओमकार सिंह के समर्थन में रैली करनी थी। सारी तैयारियां पूरी थी, मंच सज चुका था, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए कुर्सियां लग चुकी थी। लेकिन तभी मंच पर लगे पोस्टर पर वहां मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो देखा पोस्टर पर तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर छपी है। ये देखते ही वहां खलबली मच गई। आनन फानन में कुलस्ते की तस्वीर को मंच पर लगे पोस्टर से हटाया गया। उनकी तस्वीर को छिपाते हुए उसी जगह कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश का पोस्टर लगा दिया गया। मंडला से कांग्रेस ने इस बार ओमकार सिंह को मौका दिया है, वो मंडला से ही विधायक है। यानी इस बार 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच मुकाबला होना है। लेकिन कांग्रेस के पोस्टर में हुई इस गड़बड़ी से चुनाव के बीच पार्टी की जरूर किरकिरी हो गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये मानवीय भूल है और कुछ भी नहीं। इसमें कोई निहित उद्देश्य की आशंका नहीं है, यह मानवीय भूल हो जाती है। या हो सकता है कि जिस भी संस्था ने वो होर्डिंग बनाया हो, और चूंकि उनके पास काम भी इस वक्त पर बहुत रहता है, तो हमारे होर्डिंग पर या बैकड्रॉप पर भाजपा प्रत्याशी की लग गई होगी, तो सुधार करने योग्य है, कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। सर कोई करा तो नहीं है किसी दल और कोई दल ने शरारत की होगी इस तरीके का, क्या आप मानते हैं? मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मंच की और साज सज्जा की व्यवस्था तो हमारी पार्टी के ही नेताओं के पास होती है, तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। पर इस मानवीय भूल को मैं स्वीकारता हूँ कि मानवीय भूल है, और वो चाहे बैकड्रॉप बनाने वाले से हुई हो या हमारे लोग देख नहीं पाए हों व्यस्तावश, पर कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस के पोस्टर में बीजेपी उम्मीदवार के फोटो को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मोहन यादव ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे, बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।